19,000 रुपया तनख्वाह है, 45,000 बिल आ गया। आप जा रहे तू अपने घर मीटर नहीं लो हरा बस मर जाएंगे मीटर न लो ठीक है बच्चे एक मिनट जरा आप इधर से साइड पे जाओ जी बीस में लग रहे हैं मैं लग कर रहा भाई ये डा पूरा सरल द पत्र लो जाए कर जी जाए अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर अब्बास और आप देख रहे हैं शौकी टीवी। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बिलों को लेकर काफी ज्यादा जो हमारी आवाम है वो परेशान है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से आज देखें इंसान जो है खुदकुशी करने पर आ चुका है। ये देखें एक हमारे भाई है जो नहर में कूद के खुदकुशी करना चाह रहे हैं, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जेड़ा मरना चाहता है ओदे नाल के गल करना चाहते हो? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। मैं बस किसे नु कोई नहीं गल दसनी चाह रहा, मैं खुदकुशी करनी है आपके बिलों का कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या निकाले तू भरेगा बिल यार, 45,000 बिल जी नाजरीन, 45,000 बिल आया इस गरीब आदमी का और ये इस वजह से नहर में छलांग लगाने के लिए जा रहे हैं। देखे जोर दी घोट का ये आप कूदने जा रहे हैं नहर में? हाँ मैं तो आप उनको मना क्यों कर रहे हैं कि भाई कस के पकड़े? मतलब ओ अपना जोर लावण, मैं अपना जोर लावांगा, मैं देखांगा भाई मौत नु कोई रोक सकदा है। देखें जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस टाइम क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए, आपके बिल के लिए आपको गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं तो आप वो करें। देखें इस चीज में कुछ नहीं रखा, गवर्नमेंट नु क्या अपील करिए, गवर्नमेंट नु यो कहना चाहवांगे भाई लाख लानत है साडे उते, असि तानु वोट दे के असेंबली च बिठाया और तुसी सानू नहर दे कोल खड़ा है, असि असि जंप मारन लगे, 19,000 रुपये तनखा है, 45,000 रुपये बिल आ गया, लाख लाना दे मेरे मुंह देते, इन्हों का भी मुंह देते लाना दे जरा मैं फटी गलत तू ना घबरा भी बड़ा हो गया तेन, तू अपना घर मीटर नहीं लोहाना बस मर जाए लेकिन मीटर ना लो। देखें जी आवाम कितनी परेशान है बिजली के बिलों की वजह से, हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं हम कि ये मतलब किस तरीके से अपना आगे सरवाइव करेंगे। देखें सर हम आपका बिल क्या सरवाइव क्या होता है, मतलब कैसे क्या सरवाइव दी, मैं बहन नु कड्डा सरवाइव दे रहा मैं, ये ए कोई तरीका है? 19,000 रुपया तनख्वाह है, 45,000 बिल आ गया, मैनु एक गल दस, मैं क्या भाई चलो 17,000 बिल आवना ही भरा, 200 यूनिट तक 17,000 मेरा बिल बन, 100 यूनिट तक 17,000 बन गई, 1 यूनिट उत्ते गया ते उन्हें 45,000 दा ठोक मारिया, मैं घर ना फाद के ते खलो, मैं घर ना भी आवा, असा भावे 100 कुंडे ला लिए ओ बिल ऐ दे के जा तल्लू दरवाजा ते बत्ती बना के तुन के जाते बिल, बस घर नहीं है भाई तुसी आ कर लो के बस बिल दित्ते जाते। देखिए जी ये तो गलत बात, भरने वाले घर नहीं आए तो तुसी बिल क्यों दे रहे हो? ये तो गलत बात है ना, जब आप घर ही नहीं है तो बिल देने का मतलब ही नहीं बनता, बस छोड़ दो। मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं आपने नहर में छलांग लगानी है, मैं आके जी मैं आके 17,000 भैया बिल आती जी, मैं भर लेता जी, काय को मांग थंग के रिश्तेदार को जी, लेकिन 45 पकड़ के रखे इनको किनारा ना ले, तू यहीं छोड़े हाथ मैं झटका मारा तो गया ना, मैं आख्या जी मैं 17,000 बिल कोशिश करा बाहर लो जी, 45,000 बिल आ जी, 12 बच्चे मेरे, 12 बच्चे आपके जी, कितना सा हो गया आपकी शादी को? 10 साल हो गए शादी। नाजरीन 10 साल में 12 बच्चे, देखे कैसे 12 बच्चे? ओह नो, तू क्या समझ रहे हैं, मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, तब फाद को खिलाओ पा रहे, बात ही आप ऐसी करिए, 10 साल में 12 बच्चे, 2 बच्चे एक्स्ट्रा उठाए आपने, चबल दिया बच्चे बिचू, 2 बारी जुड़वा जुड़वा जमे, 2 बारी जुड़वा जुड़वा, तू क्या समझा भाई पिछू लाया क्या ये बच्चे? नहीं नहीं चबल दिया बच्चा है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो आप क्या करना चाहते हैं बच्चों को, क्या बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, आप नहर में छलांग मार के मरेंगे बुरी बात है, देखिये जी खुदकुशी हराम है, पल जाना हो गए आप पे पल जाएंगे, मैं उन्होंने लिख के वसीयत दे के चला भाई अपने घर मीटर कोई ना लवावे, बस मरना है आपने, ऐसा लाइट दे उते रहने नहीं, बस मैनू कमीज लान दो, मैं नहर और कमीज ना उतारे, कमीज पहनी रखे ना, कमीज उतार के क्या करना है, मरना है, सामान है, सामान क्या है, मोबाइल पानी चला गया तेरा प्यो जिम्मेदार है, कौन बनवा के देती, आपने तो मर जाना है, मोबाइल का क्या करना है, कोई कॉल आ जाती है घरों,
तो हम मरे से काल उठाएंगे और बाहर तो कंजरा कोई व्यक्ति या लाश मैं अपनी गुम कर देवा मोबाइल समेत और कान कान तो फोन आएगा तब कोई मन बचाएगा। अच्छा भाजन मैं जरा घर जाना काम मैं फिर तेनू घर भी पई ये मेरी मौत होने वाली है फट के खलो चबल दे बच्चा कसके पकड़े कसके कसके पकड़ मैं मरना है मैं तेनू कह रहा चुकुंदर दे मुंह वालिया मैं नहीं जिंदा रहना बस देखें जी तारा खलोती हैं इधर में छोट मेरे प्यो दे नहीं है लाइट आ ही नहीं रही करंट नहीं है इनमें जी लोड शेडिंग है लोड शेडिंग चल रही है और हाथ नाल पक्के जल जल मोए हो यहाँ ते किना लाइट आवनी नहीं आप... ते बेल करे पर वांदा बे मैं दस है आप कैसे कह सकते हैं इसमें करंट नहीं है हाथ लाख बेख लाए कोई नहीं है नहीं है हाँ जी अगु हट जाओ हटो बच्चे बच्चे एक मिनट जरा आप इधर से साइड पे जाओ साइड पे मेरे बच्चे अनु कुछ ना नहीं नहीं मैं इनको साइड पे कर रहा हूं मेरी लाश दबा रहे थे हां भाई आप भी उधर हो जाएं इधर से जरा जगह जगह खाली कर दें आ जाएं सर ये पकड़ के खलो बाल माओ यहां से जगह नजदीक है आप इधर छलांग ले गए नाजरीन आज हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे एक गरीब इंसान मजबूर इंसान किस तरीके से नहर में छलांग लगा रहे बिजली के बिलों से तंग होकर जी नाजरीन जी बिस्मिल लग रहे हैं जी बिस्मिल लग रहे हैं लग रहा भाई ये डॉक्टर राशरल दा पुत्र ला जाए कर बच्चों को नसीहत करने जी जी पुत्र मेरे बाद रोण आला बिल दा बिल पार देना लेकिन भरना ना सारे ने कट आउट करना है हाथ नाल पखे जलना अपने बच्चों नु भी नहीं तुसी पखे ते मीटर लुवाने बस बच्चों आप इधर हो जाओ आप ना कहीं इनके साथ गिर जाएं ठीक है आपने इनको संभालना है बाद में इनकी लाश आपने पानी से निकालनी है जी जी जाएं 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 जी नाजीन एक मजबूर इंसान नहर में छलांग लगा रहा है लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा तो हम इनको इनकी मदद करते हैं इनका दिल मजबूत करते हैं जिन आप जाएं जी जाएं आपने मरना नहीं है डूबना नहीं है आपने खुद भी तो छलांग लगानी है नाक छोड़ के छलांग लगाएं अब मरना आप कौन सा नहाने जा रहे हैं लेकिन थोड़ी देर से जितनी देर बर्दाश्त करे था बाद हाथ छोड़ दे नहीं देखें आप बर्दाश्त ना करें आप ऐसे तड़प तड़प के मरे मीटर कटी जाए एक बंदे ने छलांग लेकिन लेकिन बस 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 क्या हुआ बेटा है कोई भी क्या हुआ मां सोच ले क्या हुआ ऐसे हराम मौत मरण नालू चंगा है के भाई बिलों दी किस्त होती है हां किस्तें भी होती हैं बिलों की किस्त होती है जी मैं किस्त करवा ले सर तुसा मेरी जान छोड़ो तो मरना नहीं आपने मैं किस्त करवा के बिल भर ले साहब और छोड़ागा जी नाजरीन देखें यही हम आपको पैगाम देना चाह रहे थे कि बिलों की आप किस्त भी करवा सकते हैं जो बिल आपके आ गए हैं वो तो आपको भरने ही पड़ेंगे ये हमारी मजलूम आवाम जितनी भी है इन सबको जो है बिल भरने ही पड़ेंगे किसी न किसी तरीके इनको बिल भरने पड़ेंगे तो आज आप हमारे साथ आपने देखा कि एक इंसान जो है बिल भरने की वजह से अपनी खुदकुशी करने जा रहा था नहर में छलांग लगाने जा रहा था और हमने उसको मरने से बचाया है उसको एक अच्छा मशवरा दिया है और इसीलिए हम कहते हैं कि हराम मौत मरने से बेहतर है कि कोई हल निकाल लें इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप देख रहे हैं शोकी टीवी तब तक के लिए अल्लाह